थोड़ा सा एक्साइटमेंट है बट थोड़ा सा डर भी लग रहा है, मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपाऊंगा। भटूरा मिलेगा भटूरा कुछ भी चाहिए भटूरा ही देंगे आप। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और सबसे बड़ा बात, वेलकम टू हिमालयास। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं हिमालय पे और ठंडी बजना एकदम से चालू हो गया है। कल रात को यहाँ तक पहुँचते बहुत ज़्यादा लेट हो गया और बीच में एक छोटा सा तूफान भी आ गया था, जिसके वजह से बोलते ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, बारिश भी हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि एक होटल बुक कर लेते हैं, बट होटल मिलना बहुत ही एक तरीके से इम्पॉसिबल टास्क था हमारे लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने होटल थे उतने सब बुक हो गए थे। अगर आप लोग भी ये साइड में आओगे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी स्टे लेने का कोशिश करो। बहुत सारे राइडर्स ने ये गलती किया था एंड फिर बोलते ना कि लास्ट में तुमको 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर लोकल से इसे बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा करके स्टेज नहीं अवेलेबल है। अभी हम लोग यहाँ पर रिवर के पास रुके हैं, इसलिए इसके वजह से आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आते रहेगा। और होटल में आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये है बालकनी जहाँ से मैं व्लॉग कर रहा हूँ। और होटल ना कुछ इस तरीके से थोड़ा सा मेसी है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। यहाँ पे है लाइक अपना दो चेयर और ये वो है मेन डोर, वो है वॉशरूम, ये है बेड और एक ही कंबल था, जैसे तैसे करके हम लोग सोए। और ये काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है मुझे। ये है कबर्ड, आईना वो साइड में दिया है जो कोई यूज़ नहीं कर सकता। वैसे तो ये होटल अभी बन रहा है, स्नोलैंड करके है होटल, तो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है अगर आप लोग देखते रहोगे तो। बट चीज़ ये है कि काफ़ी अच्छा है, फिर भी एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया हम लोगों को 2000 रुपीज़ में। थोड़ा कम किया रहता तो अच्छा रहता, बट स्टिल इट इज़ व्हाट इट इज़। और खाना एकदम से बेस्ट था यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम लोग जल्दी सो गए। और आज का व्लॉग, कल का व्लॉग आप लोगों को थोड़ा लेट देखने मिलेगा, उसका रीज़न यह है कि अभी हम लोग के पास यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ से सोनमार्ग कुछ 30 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है कि फिर सोनमार्ग से कारगिल है, तो हम लोग अभी क्या प्लान कर रहे हैं कि जल्दी निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं पहले कारगिल में। कारगिल में होटल लेंगे, वहाँ पे वाईफाई रहेगा तो अच्छा रह जाएगा, और वहाँ पे एडिट करके मैं व्लॉग को अपलोड करूँगा। तो मतलब कल के व्लॉग को थोड़ा टाइम लगेगा और इसके हिसाब से जो आज का व्लॉग है वो फिर देखेंगे। तब तक हम लोग शायद लेह में पहुंच गए रहेंगे और कारगिल भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। सनी गया है अभी नीचे, क्योंकि उसके बाइक का जो टॉप रैक है उसके ऊपर उसने जो माउंट बिठाया था जिस पे टॉप बॉक्स हम लोग बिठाते हैं, उसका एक साइड का प्लेट गिर गया है। सो ये सब चीज़ ऐसा होते रहता है, तो अभी हम लोग उसको जाके फिक्स करेंगे फिर यहाँ से निकल जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है कुछ 7-7:30 बजे के आसपास और यहाँ पे टेम्परेचर है अभी 17 डिग्रीज। रात को 12 डिग्री तक गया था, वो हम लोगों ने देख के रखा था। और मेरे दोनों भी सिम कार्ड का नेटवर्क नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ यहाँ पे जियो चल रहा है। तो बेटर अगर आप लोग नीचे से आ रहे हो तो पहले जियो का सिम ले लेना, ताकि आप लोग अपने एक दूसरे को कांटेक्ट कर सको, घर पे इन्फॉर्म कर सको। और मैं ये बोलूँगा कि 6 बजे के पहले हॉल्ट लेने का ट्राई करना, 6 बजे के बाद नहीं। तो गाइस, ये है होटल का रेस्टोरेंट और काफ़ी अच्छा मतलब दिख रहा है, काफ़ी अच्छा बनाया है इसको। और हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर, तो सनी ऑलरेडी अपना यहाँ पे वेट कर रहा है और हमारी बाइक्स वो रही वहाँ पे पार्क। लोगों के लिए जूम कर देता हूँ। जो चीज़ मैं बोल रहा था वो है ये इसका बेस और इसका ये प्लेट है वो गिर गया है, अभी हम लोगों को कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, तो ये सही रहे। और यहाँ पे एक ही बोल्ट है, एक बोल्ट नहीं है। अभी हम लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, सिर्फ एक ही था प्लेट बचा था, तो हम लोगों ने क्या किया कि उसको यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो ये अड़ा लगा दिया, और सनी ने एक्स्ट्रा बोल्ट लाए थे तो बोल्ट को यहाँ पे लगा दिया, जिसके वजह से अभी ये रॉक स्टडी हो गया। बट क्या है ना, नीचे से स्क्रू कभी भी निकल सकता है, तो उसके लिए हम लोगों को वाइज़र लगेगा, क्योंकि हम लोग के पास 3 वाइज़र नहीं है, सिर्फ एक ही वाइज़र है। और अभी तो अच्छा है, बट पता नहीं कि कुछ आया तो गिर जाए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम लोग वाइज़र लेंगे। बट वो वाइज़र पता नहीं किधर मिलेगा, शायद से आगे कारगिल में मिल जाए या फिर यहीं पे कहीं पे कोई मैकेनिक शॉप रहेगा तो उससे लेके लगा ले। गाइस, अभी हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं, ये है कश्मीरी कावा। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने ये मंगाया था, सनी को परोठा खाना था और मैंने ब्रेड मंगाया है। और सनी कैसा टेस्ट है? परोठा तो अच्छा है, अभी वो टेस्ट करने गया हूँ कैसा है। ब्रेड
ब्रेड बटर टोस्ट क्या है वो। गाइस हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था, मैं आपको मिलाता हूँ इनसे। हेलो, कैसे हो? बढ़िया जी। आपने काफ़ी अच्छा होटल रखा है और ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा था। थैंक यू। बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं, कुछ अच्छा देने की। और वो किधर गए? हाँ जी सर। गाइस ये है यहाँ के सबसे हार्ड वर्किंग बंदे, नाइस टू मीट यू। हमारे पास सर छोला भटूरा मिलेगा, हाँ, मसाला डोसा है, हाँ, आलू पराठा है, हाँ, राजमा राइस है, कॉफी है, क्या समोसा है, सब रेडी है। सब रेडी है सर, एकदम एक्चुअल 7 बजे रेडी। चलो एक्स्ट्रा और कुछ चाहिए तो फिर मिलेगा भटूरा। हाँ भटूरा मिलेगा, मिलेगा भटूरा, कुछ भी चाहिए भटूरा ही देंगे हम। ऑल सेट एंड रेडी। सुबह सुबह ओलिविया ने ठंडे ठंडे पानी से नहाया और फ्रेश हो गई, हमने भी ठंडे ठंडे पानी से नहा के फ्रेश हो गए। एक्चुअली हमने थोड़ा गर्म पानी यूज़ किया था, बट अभी यहाँ से निकलना है और ये होटल था जहाँ पे हम लोग रुके हैं, होटल का काम चल रहा है और हम लोग अभी जाने वाले हैं कारगिल। कारगिल में जाके रुकेंगे, बीच में कुछ सीनरी व्यू आया तो वहाँ पर रुक के फ़ोटो लेंगे, ये प्लान है। और आज मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना ये स्काला का ग्लव्स, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी बेटर चॉइस है। क्या है, प्रो बाइकर ने अपने को साथ दिया गर्मी में, अभी ये साथ देंगे ठंडी में। यहाँ से अभी रेडी होके निकलते हैं आगे। कल रात को तो वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, सामने मुझे बर्फ़ भी दिख रहा है वो साइड में, अगर आपको दिखाई देते रहेगा तो। सो आगे चल के अपने को दिखेगा ही वैसे भी। हाँ, सीनिक व्यू है यहाँ पे और यहाँ पे बर्फ़ होती है ठंड में, तो ये पता चला हम लोगों को होटल से। और ये होटल का नाम था स्नोलैंड रिजॉर्ट, तो भी बन रहा है, शायद से नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस निकल रहे हैं हम लोग, गणपति बप्पा मोरिया, हर हर महादेव। वाह मैन, क्या व्यू है यहाँ से सच में। हाँ मज़ा आ गया, चले से नहीं निकले। चलो मैं कंटिन्यू करूँ यार। अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, क्यों पता है क्या? क्योंकि ये जो पीछे आप लोग देख रहे हो ना, इट्स रियली ऑसम, एकदम मस्त व्यू है। और सनी को एक्चुअली फ़ोटो लेना था नदी के पास में, तो हम लोग यहाँ पे रुक के फ़ोटो लेंगे और फिर आगे जाएंगे। बाकी व्यू यहाँ का काफ़ी अच्छा है, बस ऐसा है कि नज़ारे देखते रहो, बाइक मत चलाओ। ओह माय गुडनेस गाइस, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ पहाड़ियों से गिर चुके हम लोग और दिन में अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। नदी ये जा रही है, इसका नाम है सिंध नदी, और लाइक आप लोग देख रहे हो रास्ता भी ख़राब है, सनी एग्जैक्ट पीछे ही है अपने। और लाइक क्या मैं बोलूँ, दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस। और बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, वो बर्फ भी है ऊपर। एंड हो अभी तो बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है, पहाड़ इतना ऊंचा है कि उसने सुबह सुबह 11 बजे मतलब सन को ढक दिया, कैन यू इमेजिन। हम लोग ये जगह पे रुके थे, फ़ोटोग्राफी किया। आप लोगों को ये फ़ोटोज़ पे से कौन सा फ़ोटो ज़्यादा पसंद आया ये कमेंट करके बताना नीचे। एंड ऐसे और भी अमेजिंग फ़ोटोज़ आने वाले हैं, मोस्टली तो हम लोग यहाँ पे आए घूमने के लिए, बट ये सोचा कि चलो भाई हम लोग फ़ोटोग्राफ़र है तो थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं। सब चीज़ लगा के किया, हम लोगों को टाइम लगा, बट कोई नहीं, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आए हैं इसी चीज़ के लिए, घूमने के लिए और ये सारे व्यूज़ का फ़ोटोज़ लेने के लिए, इंटरेस्टिंग सब चीज़, ताकि हम लोगों का पोर्टफोलियो भी बन जाए। एंड काफ़ी मज़ा आया, तो हम लोग यहाँ से बस अभी निकल रहे हैं, मैं और सनी दोनों। 11:30 बज रहे हैं,
अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं थोड़ा टाइम, सनी पीछे छोड़ गया उसकी वजह से, बट आप लोगों के लिए ये बर्फ़ का झलक दिख रहा है यहाँ पे, और वहाँ पे तो फुल वाइट है। यहाँ पे थोड़ा ओल्ड हो गया है बट आई थिंक सो ऊपर एकदम क्लियर है। और ये माय गॉडनेस क्या एकदम मस्त व्यू लग रहा है, और ऐसा चीज़ है कि हम लोग धीरे धीरे नज़दीक जा रहे हैं उसके, तो आई थिंक सो शायद से कारगिल के आसपास हम लोगों को बर्फ़ मिल जाए, हम लोगों का फर्स्ट स्नो एक्सपीरियंस। सनी यहाँ पे आ चुका है और हम लोगों ने ये एडिशनल कैमरा लगा दिया है एडिशनल व्यू के लिए। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से आगे। हम लोगों ने एंटर कर लिया है जोजिला पास। ओ माय गॉडनेस मान, ओ इतना बड़ा पहाड़ है ना कि देख के डर लग रहा है। यू कैंट बिलीव मी, हम लोग ने जो पहाड़ देखा था अभी मैंने आपको बताया था, उस पहाड़ पे हम लोग चढ़ रहे हैं। देखो नीचे कितना गहरा है, और पहाड़ पे हम लोग चढ़ रहे हैं तो ये टॉप भी ऊपर दिख रहा है, ऊपर से ये खतरनाक वाला लैंडस्लाइड इधर ही हुआ था। बहुत सारे राइडर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट है बट थोड़ा सा डर भी लग रहा है। मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपाऊँगा। तो कुछ लोग आ रहे हैं नीचे और हम लोग जा रहे हैं ऊपर, फिर हम लोग मनाली साइड से नीचे उतरेंगे एंड देन वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, बट हम लोगों को लेह में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड वाह, यहाँ पे तो जितना पावर हो उतना कम पड़ रहा है, क्या प्रदूषण कर रहा है यार ये कार, इसको ओवरटेक करना पड़ेगा। ओवरटेक करने के लिए लोअर गियर्स बेस्ट होते हैं। वाह मैन, सच में लाइफ का ऐसा खतरनाक एक्सपीरियंस, जो लैंडस्लाइड इधर से गया था वो नीचे ही गया था। ओह माय गॉडनेस, चुम चुम। सो गाइस, ये है फर्स्ट एनकाउंटर अपना बर्फ़ के साथ, एंड फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग एक्सपीरियंस अपना। अभी यहाँ पर रुक जाते हैं, सब कार को जाने के बाद अपना नंबर आएगा शायद। एंड दिस इज इट, एक्साइटेड? ओ निकल गए। ओह माय गॉडनेस, ये सच में खतरनाक था। यू कैन बिलीव जितना मैं खुश हूँ ना, बट अभी और भी आगे आने वाले हैं, बट फर्स्ट वाला सही किया ना तो बाकी सब भी हो जाएंगे। का आदमी है यार, बीच में लगा के रुकता है क्या? वाओ मैन, सुपर गुड, सुपर डुपर गुड। आप लोग ये रास्ता देख रहे हो, एकदम खतरनाक है, कच्चा रास्ता। और यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट गियर पे डाल के क्लच छोड़ के रखा है, एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट, गाड़ी सही तरीके से उतर रहा है। ओह माय गॉड, स्टोन हियर, अब तक का लाइफ का सबसे डेंजर एक्सपीरियंस। अब तक का, आगे चल के और कितना मिलेंगे ऐसा पता नहीं। गाइस हम लोगों ने अभी यहाँ पे हॉल्ट लिया है, पीछे काफ़ी अच्छा व्यू है और बर्फ़ है, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बर्फ़ में स्लाइडिंग बीडिंग और ये सब कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे मैगी खाएंगे और चाय पियेंगे और फिर आगे जाएंगे। ऊपर वाटरफॉल भी है और वो एक्चुअली बर्फ़ है, तो वहाँ पर अगर आप लोगों को दिखता रहेगा तो। एंड अभी बस हम लोग ये पीछे रुके थे, बहुत सारे राइडर्स भी आए हैं यहाँ पे, सो कर्नाटका से वो लोग सबसे मिले। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जाते हैं और कोई राइडर सामने से आता है और हाथ थम्स अप करता है, तो सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। और हम लोग शायद से जा रहे हैं ये साइड में कश्मीर की ओर, अभी वेदर भी थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है और हाथ तो एकदम से फ्रीजिंग कोल्ड हो गए मेरे, अभी देखते हैं जम गए पता। क्या बोलते हैं सनी, ठंडी इसको ही लग रहा है, पता नहीं इसको क्यों ठंडी लग रहा है।
गाइस अभी हम लोग पहाड़ चढ़ रहे थे और अभी उतरने का टाइम आ गया है, तो ये ट्विस्टिस है, चिक 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 करके नीचे जा रहे हैं हम लोग। एंड ट्विस्टिस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, ज़्यादा करके जो सामने से आने वाले व्हीकल रहते हैं वो। हम टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल, तो फाइनली हम लोग कारगिल के अंदर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे राइडर्स ने ब्रेक लिया है, अभी हम लोग को भी ब्रेक लेना पड़ेगा नीचे। अभी हम लोग मुंबई से कुछ राइडर्स को मिले एंड उनका जज्बा बोलना पड़ेगा, वो लोग एक्टिवा लेके आए, हम लोगों ने अपना नंबर शेयर किया इनकेस अगर बीच में पेट्रोल पेट्रोल लगा तो या किसी इमरजेंसी में रहेगा तो, क्योंकि एक्टिवा का पहले से ही दिक्कत रहता है। और यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, वो लोग आगे जा रहे हैं, दो लोग हैं एंड उनका भी ब्लॉगिंग चैनल है, मैं बाद में आपको उनका ब्लॉगिंग चैनल का लिंक बता दूंगा, बट लेकिन बोलना पड़ेगा दोनों महाराष्ट्र से आए हैं एंड देन दे आर कंटिन्यूइंग देयर जर्नी ऑन एक्टिवा, दैट्स रियली गुड। चला गाइस, अभी हम लोग आए हैं कारगिल वॉर मेमोरियल में और यहाँ पे सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बट चलिए कोई नहीं, काफ़ी अच्छा मेमोरीज है अगर आप लोगों ने कारगिल वॉर के बारे में सुना रहेगा तो। और हम लोग ये बस विज़िट कर रहे हैं, पर डिवाइस 50 रुपीज़ चार्ज है और कहीं पर बैठना अलाउड नहीं है, सिर्फ जो कुछ प्लेसेस है वहाँ पर जाके आप फोटोज़ ले सकते हो एंड दैट्स इट। अगर आपके साथ लेडीज़ हैं और वो आ रही है तो मेक श्योर कि आपने प्रॉपर ड्रेसिंग किया है, शॉर्ट्स और ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, इवन स्लीपर्स भी अलाउड नहीं है, आप लोगों को शूज़ पहनने पड़ेंगे। सो गाइस अभी हम लोग होटल में पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग रूम के अंदर है, यहाँ तक आने के लिए लग के एक तरीके से सिर्फ 4 घंटा बता रहा था गूगल मैप, बट ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा टाइम लगा एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगा यहाँ तक आने के लिए, बट व्यूज़ बीच में जो था वो बहुत ही अच्छा था एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मैं भी आप लोगों को रूम बता देता हूँ, रूम काफ़ी अच्छा है और होटल भी काफ़ी अच्छा है, हम लोगों को यहाँ पे वाईफाई भी मिल गया है और अभी मैं जाके वीडियो एडिट करने वाला हूँ जिससे मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो जैसे आप लोग देख रहे हो ये है हमारा रूम और यहाँ पे बेड है, ये तो विंडो है, बाकी वहाँ पे है वॉशरूम और यहाँ पे एक और रूम है, तो अगर आप लोग ज़्यादा लोग आ रहे हो तो यहाँ से रह सकते हो। यहाँ पे टीवी भी है एंड सनी आ गया है, सनी वाईफाई बस बाजू में ही लगा हुआ है। और सबसे अच्छा चीज़ है ये कि आप जब यहाँ से बाहर आते हो तो ना आपको यहाँ पे सामने ही रिवर है, दिख रहा है, और शाम को फिर से वैसे ही सेम वेदर चालू हो गया, ऊपर टेरेस भी है। और दैट्स इट फॉर द व्लॉग, अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट कर सकते हो एंड ये होटल का आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो अगर आप लोगों को रहना है तो आप लोग ये होटल देख सकते हो।